हाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना ठीक है भक्त के YouTube family, I'm back another vlog. और दोस्तों मैं जैसा कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी डॉग और कैट एक्सेसरीज के ऊपर थोड़ी सी वीडियो देखो कहाँ पे मिल जाएगी सस्ते में लेकिन सस्ते में नहीं अच्छे में दिखाने वाला हूँ आज जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की इंपोर्टेड क्वालिटी की हर तरह की मतलब फूड हो चाहे पैट फूड मिल जाएगा उसके अलावा यहाँ पे एक्सेसरीज मिल जाएगी पैट टॉयज मिल जाएंगे मतलब उसके अलावा यहाँ पे क्लिनिक भी है जो मतलब सारा काम एक ही जगह पे हो जाएगा अगर जैसे डॉग या कोई भी आप लेके आते हो यहाँ पे तो एक बार चलते हैं ना यार शॉप के ऑनर से बात करवा देता हूँ तो मेरे साथ है गुरमीत भाई कैसे हो भाई बहुत बढ़िया आप सुनाइए जी बढ़िया भैया और बताओगे भैया किस किस तरह क्या किस चीज़ में आप डील करते हैं यहाँ पे हमारे पास पेट के सारे एसेसरीज पेट प्रोडक्ट्स पेट फूड पेट शैम्पू यू नेम एनीथिंग इन पेट वी हैव दैट तो आपको इंडिया का और इम्पोर्टेड सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और हर कंट्री के प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर हर कंट्री के प्रोडक्ट मिल जाएंगे हर कंट्री के और पेट केयर वगैरह भी की जाती है यहाँ पे पूरी हाँ हमारे यहाँ पेट ग्रूमिंग भी है और डॉक्टर फैसिलिटी भी है पूरा क्लिनिक है ऑपरेशन थिएटर है विच इंक्लूड्स एवरीथिंग सो आपको एक ही रूफ के अंडर सारी सर्विसेज मिलती हैं फूड से लेकर और इलाज तक सारा कुछ ग्रूमिंग भी है हमारे यहाँ पर विच मीन्स शेविंग बाथिंग और पेट के रिलेटेड सब कुछ सो एवरीथिंग अंडर वन दैट इज़ अवर मोटो और हम रिटेल में और होलसेल दोनों में डील करते हैं दोनों में डील करते हैं दोनों में डील करते हैं ठीक है तो भैया दिखाओगे देखते हैं हमारे पास हर तरह के कॉलर्स मिलते हैं जैसे ये लेदर कॉलर है इसमें अलग अलग साइजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल साइज मीडियम साइज जैसे ये मीडियम डॉग के लिए है तो लेदर में भी है और ये लार्ज कॉलर है जो लार्ज साइज के डॉग होते हैं लैब्राडोर जैसे होते हैं प्राइस तो सर MRP पूरे ऑल ओवर इंडिया सेम रहेगा जैसे कि ये 160 रुपये का है तो जो भी कंपनी प्राइस है इसके ऊपर हम डिस्काउंट करेंगे ये करीब करीब आपको 140 रुपये का पड़ेगा 140 का पड़ जाएगा मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा बाहर के मुकाबले में आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा और अगर आप सर के चैनल के थ्रू रेफरेंस देके आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 10% से भी ज़्यादा ठीक है और ये देख सकते हो इस तरह के ये इसको हम हार्नेस कहते हैं जो ये हार्नेस है ये चेस्ट पे पहनते हैं इससे कंट्रोल थोड़ा डॉग का अच्छा हो जाता है हाँ जी तो ये पिटबुल टाइप के डॉग्स के लिए अच्छा हार्नेस है और अंदर पैडिंग है जैसे बाकी हार्नेस आते हैं वो अंदर बिना पैडिंग के होते हैं ये पैडिंग के साथ आता है अच्छा जितना भी माल है क्वालिटी का मिलेगा क्वालिटी का नंबर वन माल होगा विद बिल मिलेगा आपको और विद डिस्काउंट मिलेगा अच्छा इसकी प्राइस क्या रहने वाली है इसकी प्राइस जैसे 350 है इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस चैनल के रेफरेंस के थ्रू आएंगे वंश जी के चैनल से ठीक है और भी मतलब यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज आपको एक्सेसरीज के अंदर मिलने वाले टॉयज जैसे ये आपको चेन है अब कुछ डॉग है जो लीश चबा जाते हैं कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो लीश चबाते हैं तो उनके लिए ये चेन काम करती है तो काम आ जाएगी और इसका प्राइस क्या रहेगा हाँ जैसे ये ब्रास बकल में है तो ये करीब करीब 400 रुपये की होगी और जो लोहे के बकल में आती है जो लोहे का इसका होता है वो थोड़ी सस्ती होती है वो 250 रुपये के आसपास होती है ये ब्रास है इसीलिए ये नहीं टूटेगा ये नहीं टूटेगा उससे मजबूत होगा हाँ जी और ये जो चेन भी है डायमंड कट कहते हैं इसको और ये जो इस तरह की चेन होती है ये नॉर्मल चेन होती है ये नॉर्मल चेन है और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये डायमंड कट है डायमंड कट के अंदर ठीक है दोनों में बहुत फ़र्क होता है मतलब हाँ स्ट्रेंथ का फ़र्क आएगा फिनिशिंग का फ़र्क आता है इसका रेट और इसके में कितना फ़र्क होगा वैसे इसके रेट में डबल का फ़र्क होता है डबल का फ़र्क होगा ब्रास बकल के साथ है काफ़ी सारी चेन्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे और ये लीश है जैसे आप देखेंगे इसमें आपकी ग्रिप के लिए भी पैडिंग दे रखी है तो ताकि अगर आपको डॉग पुल करता है तो आपका हाथ हर्ट नहीं होगा क्या प्राइस रहेगी इसकी इसकी प्राइस पूरा सेट है जो कॉलर के साथ है कॉलर के अंदर भी पैडिंग दे रखी है हमने ओके तो ये पूरा कॉलर के साथ 600 रुपये का है बाकी इसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वंश जी के चैनल के थ्रू 600 रुपये का पड़ेगा मतलब और भी डिस्काउंट हो जाएगा अगर यहाँ पे चैनल के मतलब आते थ्रू आते तो और भी कितने रुपये स्टार्टिंग हो जाती है इनके अंदर वैसे 700 रुपये के आसपास होगा जो मैक्सिमम अगर हम बात करें और स्टार्टिंग साइज़ के ऊपर होगा पैडिंग के ऊपर होगा तो 200 रुपये से शुरू होती है और अगर सिर्फ आप हम लीश की बात करें तो 100 रुपये की लीश भी है हमारे पास की लीश भी मिलेगी हाँ जी हाँ जी और क्या क्या मिल जाएगा इसके अलावा आपके पास इसके अलावा बहुत सारे टॉयज़ हैं
टॉयज भी मिल जाएंगे यहाँ पे पेट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, पेट्स के लिए है। ये स्पेशली पेट्स के लिए पेट सेफ प्रोडक्ट्स है। जो रबड़ है ये भी सर्टिफाइड होते हैं ताकि हार्म नहीं करेंगे, और ये लेटेक्स में है। ये रबड़ नहीं कहते हैं इसको, लेटेक्स कहते हैं। डंबल भी मिलने वाले, हड्डी के डंबल है ये, वुडन डंबल है, वुडन डंबल ट्रेनिंग के पर्पस के काम आता है। सब डॉग का है भैया, और भी कुछ? हाँ, ये अलग अलग साइज में डंबल होते हैं। बाकी टॉयज है, रोप टॉय हो गया, टीदिंग के लिए आते हैं काम। इसमें टीदिंग के लिए ये आपको स्पाइक्स भी दे रखे हैं। क्या प्राइस होगी इसकी? ये है सर, प्राइस इसका है 225, और इसके ऊपर डिस्काउंट करके ये आपको पड़ेगा करीब करीब 170 रुपए का। टेडी वगैरह भी मिल जाएंगे ये डॉग के लिए? ये डॉग सेफ टेडी बियर्स है। इसके ऊपर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि ये सर्टिफाइड सेफ है। ओके, भुट्टा भी मिलेगा? हाँ, भुट्टा, खाया हुआ भुट्टा मिलेगा। एक एप्पल होता है जो खाया हुआ होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इस भुट्टे की भी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि खाया हुआ है। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये बाउल वगैरह मिल जाएंगे। हाँ, बाउल अंदर से कोटिंग वाले हैं, अगर आप देखेंगे तो विद कोटिंग विदाउट कोटिंग होते हैं। क्या प्राइस होगा भैया? ये वाला है सर 425 रुपये का है इस साइज में। और ये छोटे वाला जो है? छोटे वाला है सर 199 का है, ये आपको 170 का पड़ेगा। ये तो खाली सैंपल होंगे ना? ये सिर्फ सैंपल है। नया पीस मिलेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, ये नया पीस मिलेगा इसमें। पीस मिलेगा, ये देखो स्टील में भी मिल जाएगा यहाँ पे। इस तरह से कितने होगा ये? आपको स्टिक सरफेस पे, जैसे कहीं आपको स्टिक करना है क्योंकि जब डॉग खाता है तो वो हिलता है, तो ये अगर आप इसको नीचे रखेंगे तो ये स्टिक हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल नहीं मिलेगा यहाँ पे, देखो बिना किसी, मतलब चीज़ें एक नंबर की बनाई हुई है। इसका प्राइस क्या रहेगा? ये 300 रुपये का है, ये आपको डिस्काउंट करके करीब 260 के आसपास पड़ेगा। 300 रुपये का मतलब है डिस्काउंट आपको हर प्रोडक्ट पे मिल जाएगा यहाँ पे। इस तरह से देखो और काफ़ी सारे टॉयज हैं जो आपको मिलने वाले हैं। ये क्या है? ये भी डंबल शेप में है। काफ़ी सारे मतलब टॉयज मिल जाएंगे यहाँ। हाँ, उसके बाद ये हमारे ग्रूमिंग के कुछ आते हैं, एसेसरीज है ग्रूमिंग के लिए। डॉग ब्रश है, इसको स्लिकर ब्रश कहते हैं, सेल्फ क्लीनिंग स्लिकर होता है। जैसे आपने डॉग का ग्रूमिंग किया, सारे अच्छी क्वालिटी हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। इसका फ़ायदा ये है कि आपने जैसे डॉग की ग्रूमिंग करी, इसके अंदर बाल डॉग के फंस जाएंगे, तो आपको अगर रिमूव करने हैं तो आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और ये अंदर आ गया, अंदर चला जाएगा, तो सारे बाल बाहर आएंगे, आप साफ कर सकते हैं इसे। क्या प्राइस रहने वाला है? इसका प्राइस होगा 490 रुपये का है। इसमें अलग अलग साइज है, जैसे ये लार्ज है, इसमें स्मॉल भी मिल जाएगा आपको, इसमें मीडियम। हाँ जी, हाँ जी। और ये देखो इस तरह से वाली कभी कॉम भी मिल जाएगी, ये कॉम है नहीं शायद? हाँ, ये कॉम है, इसको टिक एंड फ्ली कॉम कहते हैं। इसमें टिक्स और फ्लीज जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। सारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है ये? सारे इम्पोर्टेड है, सारे इम्पोर्टेड के अंदर वैरायटी जो मिलने वाली है। और इसके ऊपर आपको सब पे डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा, डिस्काउंट सब पे मिलेगा। ये क्या भैया? ये हैंड ग्लव्स है, हैंड ब्रश, इस तरह से ये आप हाथ पे लगा के और डॉग की ग्रूमिंग कर सकते हैं, ग्रूमिंग एंड मसाज। और ये सिर्फ और सिर्फ 65 रुपये MRP है इसका, उसके ऊपर भी डिस्काउंट, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। और ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे फूड वगैरह भी मिल जाएगा, देख सकते हो हम यहाँ पे। ये सारा फूड है ये सारे स्नैक्स हैं, स्नैक्स हैं। ये देख सकते हो, उसके अलावा ये मुंह बंद करने का ये मसल है। हाँ, अगर डॉग बात कर रहा है तो आप 15-20 मिनट अगर उसको वॉक के लिए लेके जाते हैं और सेफ रखना चाहते हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो फिर वो इरीटेट होके परेशान करेगा आपको भी और ख़ुद भी परेशान होगा। और ये क्या? ये समर के लिए बॉटल्स हैं, इसमें जैसे पानी आ जाएगा और आप इसको प्रेस करेंगे तो सारा पानी यहाँ पे आएगा कलेक्ट होके, तो आराम से डॉग आपका पी सकता है इसको पानी को, तो आप कैरी कर सकते हैं। ये है सर 300 रुपये MRP है, बाकी इस पर भी डिस्काउंट है। और ये स्कूपर है, जैसे डॉग आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए और डॉग रास्ते में पू करता है तो आप पू पिक कर सकते हैं इससे। क्या प्राइस होने वाली है इसकी? ये 500 रुपये MRP है, 500 रुपये, 500 में मिल जाएगा ये आपको। इस पर भी डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये सारे स्नैक्स रखे हुए यहाँ पे, ये सारे इम्पोर्टेड स्नैक्स हैं और आपको हर कंट्री का स्नैक्स यहाँ पर मिलेगा। सर मतलब जितने भी इम्पोर्टेड होते हैं सारे? सारे हैं। इंडियन में होंगे भैया? इंडियन में स्नैक्स कम आते हैं, ये सारे के सारे इम्पोर्टेड हैं, अलग अलग कंट्रीज से हैं। तो हर तरह का स्नैक मतलब यहाँ पे मिल जाएगा, वो पेट के लिए, अच्छा कैट के लिए भी मिल जाएंगे? हाँ, ये सब कैट के लिए है, ये किटोज है, शिबा है, ये सब कैट के हैं। ये नीचे वाले डॉग्स के लिए आपको मिल जाएंगे यहाँ पे इस तरह से, मतलब MRP पे डिस्काउंट मिल जाएगा बाहर के? हर चीज़ पे डिस्काउंट है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इंडिया में बिकने वाला स्नैक्स है वो ये है जेरहाई, इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं,
और आप किसी भी पेट लवर को पूछेंगे उसको इसके बारे में ज़रूर मालूम होगा। कैल्शियम बोन से लेकर ये सारे के सारे जो है हॉट सेलिंग आइटम्स हैं। और इसके अलावा और क्या-क्या? इसके अलावा हमारे पास अलग अलग कंपनीज़ के फूड आते हैं, जैसे ये फार्मिना का फूड है। अभी इंडिया में सब लोगों ने जैसे सुना है सिर्फ नाम रॉयल कैनिन और पेडिग्री का, तो ये काफ़ी अच्छा फूड है, इटालियन फूड है, प्रीमियम क्वालिटी फूड है और इसकी रिजल्ट्स रॉयल कैनिन से भी अच्छे हैं। अगर 19 नहीं है तो 20 ही हैं, हम अगर कंपेयर करेंगे तो बराबर ही माना जाएगा। इसके अलावा ये NND के अलग अलग वेराइटीज़ हैं, मीडियम एंड मैक्सी मिनी ब्रीड के लिए है और एडल्ट के लिए अलग आता है, पपी के लिए अलग आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये कुछ शैम्पूज़ की रेंज है, तो यहाँ से ये पूरी रेंज शैम्पू की है। अगर आप देखेंगे तो सारे इम्पोर्टेड और इंडियन शैम्पूज़ भी हैं। ये एक ग्रोथ प्रमोटर है, शैम्पूज़ के बीच में एक ग्रोथ प्रमोटर रखा हुआ है। हाँ, ये हिमालय कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर है। बाकी ये हिमालय का पाउडर भी है टिक एंड फ्ली कंट्रोल के लिए, और ये टिक एंड फ्ली कंट्रोल के लिए हिमालय का शैम्पू है। ये हमारी बाकी रेंज है शैम्पूज़ की। ये डिफरेंट टाइप ऑफ परफ्यूम्स हैं, स्मॉल ब्रीड हो या पेट कोई भी हो उसके लिए सेफ़ है, pH न्यूट्रल है। सो इंसानों के परफ्यूम से अलग है, स्किन के लिए हिसाब से बनाया, पेट की स्किन के हिसाब से। चलिए, आप होलसेल में डील, सॉरी, आप यहाँ पे रिटेल में डील करते हैं, होलसेल में? सर, ये शॉप होलसेल के लिए नहीं है, ये रिटेल के लिए है। बाकी यहाँ पे कोई आए होलसेल के लिए तो हम होलसेल में भी डील करेंगे। हम नीति बाग से ऑलरेडी होलसेल में डील करते हैं। तो स्टोर है हमारा एक नीति बाग में भी एक स्टोर है जहाँ पे हम होलसेल में डील करते हैं, और यहाँ पे भी कोई आएगा तो हम उसे मना नहीं करेंगे, होलसेल में करेंगे डील। तो उसके प्राइसेस अलग होंगे। आपको दोनों के एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको होलसेल में लेना तो वहाँ पे जाके ले सकता है, और रिटेल का तो ये काउंटर है ही है यहाँ पे, ठीक है। और भी और क्या क्या इसके बाद आपको मिलेगा? ये पेट वाइप्स है हमारे, क्या प्राइस देने वाला इसका? ये बहुत सस्ता है, सबसे सस्ता है, 100 वाइप्स हैं इसके अंदर, स्पेशली पेट्स के लिए बनाया हुआ है, और इसका MRP है 390 रुपीज़। बाकी इसके ऊपर भी डिस्काउंट होगा। और ये क्या चीज़ है? ये पूप बैग्स है, जैसे आप डॉग को लेके जाते हैं अगर वो पू करता है कहीं, तो ये पूप बैग्स है और बहुत सस्ती रेंज में है। उसके अलावा सैनिटरी पैड्स भी आते हैं हमारे पास, फीमेल डॉग्स के लिए सैनिटरी पैड्स हैं, और ये सैनिटरी पैंट्स हैं। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर सरजीत भी है, कैसे हो भैया? I'm fine। बहुत ही अच्छे वेटनरी डॉक्टर हैं। तो भैया, सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे बताओ, जैसे भी कोई नया डॉग आपसे लेता है यहाँ पे, तो उसे क्या मतलब डाइट देनी चाहिए, क्या मतलब रहता है सब कुछ थोड़ा सा आपका, मतलब डॉग जब कोई नया परचेज हो, तो जब कोई नया डॉग आप लेकर आते हैं, कोई पपी लेकर आते हैं, तो देखिए वो मदर से उसको सेपरेट किया होता है, वो मदर मिल्क पे होता है, उससे पहले मदर मिल्क में सब कुछ उसको मिलता है, पर जैसे ही वो अपनी मदर को छोड़कर आपके घर में आता है उसका सब कुछ बदल जाता है। तो उसका पेट खराब हो सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए क्या है, कुछ डाइट्स बन रखी हैं, कुछ सेरेलैक उनके बन रखे हैं ऑलरेडी, ताकि उनका केयर प्रॉपरली हो सके। तो डॉग को आपने जस्ट लाइक ए ह्यूमन बेबी ही रखना होता है, क्योंकि अगर आप उसको अपने गंदे जूते चप्पल चाटने देंगे, या फिर आप अपने डॉग को बिना वैक्सीनेशन करवाए पार्क में ले जाते हो या फील्ड्स में ले जाते हो, तो वहाँ वो बड़ी आराम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पकड़ सकता है, जैसे पार्वो है, डिस्टेंपर है, रेबीज़ तो नहीं आएगा बाहर घूमने से, बट ये बड़ी लीथल प्रॉब्लम्स हैं जो उसके अंदर आ सकती हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट 3-4 मंथ्स अनवैक्सीनेटेड पपी को आप बाहर लेके बिल्कुल नहीं जा सकते, और ह्यूमन बेबी की तरह उसको रखना है एक तरह से। अच्छा सर, एक बात बताओ, यहाँ पे डॉग्स को क्या क्या सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं? देखिए, डॉग्स जो हैं वो अलग अलग वैरायटी के हैं, कुछ लंबे बालों वाले डॉग्स हैं, कुछ साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बड़े ही फुर्तीले होते हैं, बड़े एजिलिटी होती है उनकी, तो उस हिसाब से उनकी डाइट्स बनी हुई हैं। जो स्किन वाले हैं उनके लिए स्किन डाइट्स हैं, या फिर उनके लिए स्किन सप्लीमेंट्स हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 वाले। तो ब्रीड भी डिपेंड करती है? ब्रीड भी डिपेंड करता है, अगर आपने कोई लार्ज ब्रीड ले ली है तो उसकी बोन साइज़ जो है बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, या जॉइंट्स के लिए सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। अच्छा, ह्यूमन और वैसे एनिमल्स का सेम ही होता है? बिल्कुल अलग सेम है। हाँ जी, सिमिलर होता है, डोज का फर्क होता है। ह्यूमन में भी जैसे एथलीट्स होते हैं उनकी डिमांड अपनी होती है, कोई रनिंग का एथलीट है उसकी अपनी डिमांड है, और जैसे कोई ब्यूटी में है या कोई ह्यूमन जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करता है उसको अपनी स्किन अच्छी दिखानी है तो उसको स्किन के प्रोडक्ट्स खाने पड़ेंगे, सेम डॉग्स में है। तो ये दिखाओगे कौन कौन से दे सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी, ये कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम फॉर्म आता है, ठीक है, कैल्शियम आपको देना पड़ता है डॉग्स को, ग्रोइंग डॉग्स को, ताकि उन्हें रिकेट्स ना हो जाए। ओल्ड एज में भी डॉग्स को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो आपको उन केसेस में भी आपको ये कैल्शियम देना पड़ सकता है डॉग्स को। और वैसे ही कुछ सेरेलैक होते हैं या कुछ पाउडर फॉर्म में डाइट्स होती हैं जो बीमार डॉग्स के लिए होती हैं,
कुछ मल्टी वाइटामिन वगैरह और कैल्शियम, इनमें सब कुछ होता है। ये टैबलेट फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में भी ऐसे ही आते हैं। अमाइनो एसिड्स आते हैं इनके, हाँ जी, और जॉइंट्स के लिए आते हैं। तो हर चीज़ के सप्लीमेंट्स हैं, जैसे आप यहाँ देख ही सकते हैं, सबके नाम है अपने, डाइजेशन है, मोबिलिटी है, वाइटामिन हैं, कैल्शियम है, सारे के सारे ब्रांड। हाँ जी, ये बोन बिल्डर है, ये इनका सेरेलैक है, तो ये सब टॉनिक्स हैं इनके। प्रोटीन भी आता है? हाँ जी, प्रोटीन भी आते हैं इनके, और ऐसे इनके फूड्स भी आते हैं। कोई ग्रोथ नाम से आ रहा है, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं तो उसका डाइजेशन नाम से फूड आ रहा है। अगर किसी को कोई स्किन जिसकी सेंसिटिव है, जैसे हम ह्यूमंस में एलर्जी होती है, वैसे डॉग्स में भी एलर्जी है, तो जिसको स्किन की प्रॉब्लम है उसका स्किन की डाइट आ रही है। तो डॉग्स की इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं। जैसे भी आप गर्मी आ चुकी हैं, आपको पता होगा, तो इस कंडीशन में मतलब क्या ख्याल रखा जा सकता है डॉक्टर? ज़्यादातर क्या है कि इंडिया में हम जितनी भी ब्रीड्स रख रहे हैं वो सब फॉरेन की ब्रीड्स हैं, और कुछ तो हैं जो डेजर्ट ब्रीड्स हैं, बट मैक्सिमम ब्रीड्स ऐसी हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से हैं और वो ठंडे इलाके की ब्रीड्स हैं। तो वो गर्मियों में, उन्हें यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ये ट्रॉपिकल कंट्री है हमारा, यहाँ बरसातें भी होती हैं, यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो गर्मी का सीज़न है, इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है डॉग्स में, या फिर गर्मियों में नेचुरली क्या होता है, इन्फेक्शंस भी ब्रीड करते हैं, मक्खियाँ होते हैं, मच्छर, उनके डॉग्स के टिक्स एंड फ्लीज होते हैं, तो टिक बॉर्न डिजीज़ होती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको गर्मियों में रखना पड़ता है। अच्छा, तो क्या सप्लीमेंट्स होते हैं इनके लिए भी कुछ? इनके लिए सप्लीमेंट्स भी होते हैं, प्लस मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट इन द सेंस कि उनको जो गर्मी में नहीं रह सकता डॉग, उसको ठंडे में रखना पड़ता है। अगर वॉक्स पे आपने डॉग को ले जाना है तो आप अर्ली मॉर्निंग ले जाइए या लेट इवनिंग में ले जाइए, क्योंकि शाम को जो सड़कें हैं वो बहुत गर्म होती हैं, और डॉग्स तो हमारी तरह शूज़ पहनते नहीं हैं, तो इसीलिए उन्हें, उनके पाँव जल सकते हैं गर्म सड़कों से। तो आप उनको बड़ा ही लेट इवनिंग में वॉक पे ले जाइए और अर्ली मॉर्निंग लेके जाइए, खूब सारा उनको पानी दीजिए पीने के लिए, साफ़ पानी उनके सामने होना चाहिए। और अगर उनका डाइट कम हो गया तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने खाना छोड़ दिया दैट्स अ प्रॉब्लम, अगर डाइट कम हो गया इट्स ओके, समर्स में डाइट कम हो जाती है। अच्छा, और जैसे आपका मैं ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हुए, तो कुछ डॉग? हाँ जी, हाँ जी, बीमार हो जाता है तो हम ट्रीटमेंट करते हैं, वैक्सीनेशंस करते हैं, और हमारा एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर भी है, सर्जरीज भी हम करते हैं, छोटी सर्जरीज, सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज करते हैं ज़्यादातर हम, और हमारा ग्रूमिंग का भी है यहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल इन वन शॉप, लाइक फ्रॉम फूड टू सप्लीमेंट्स टू ट्रीटमेंट एंड ग्रूमिंग, एवरीथिंग इज़ अंडर वन रूफ। सब कुछ यहीं हो जाता है, आप एक बार क्लाइंट अगर अंदर आ गया तो ही फाइंड्स एवरीथिंग। अब भी आप देख सकते हैं हमारे पास डॉग्स की सब टाइप की एसेसरीज हैं, जैसे डॉग के हमारे पास डाइपर्स हैं, कैट का हमारे पास कैट लिटर है, केजीज हैं, जब ट्रैवल करना होता है तो ये केजीज आपको चाहिए होते हैं, और हमारे पास डॉग फूड्स हैं। ये एक बड़ा ही क्यूट स्मॉल डॉग्स के लिए बैग है, जिसको आप अपने बैकपैक की तरह यूज़ कर सकते हो, और आप अपने पपी को कैरी कर रहे हैं या छोटे ब्रीड डॉग की कोई कैरी कर रहे हैं तो आप इसको लेके जा सकते हो। इसमें कोई हार्म नहीं होगा आपके पपी को। हाँ, आप बड़ी ज़्यादा धूप में उसको खड़ा नहीं कर सकते ज़्यादा देर, ऑफकोर्स, क्योंकि इसमें कोई और सिस्टम नहीं है इसमें, लेकिन हवा का पूरा सिस्टम है, सफोकेट नहीं आपका डॉग हो सकता इसके अंदर। तो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड प्रोडक्ट। तो यू कैन सी डॉग का वर्ल्ड जो है वो कैसे, उसमें कितनी वैरायटी का सामान आ रहा है। डेंटा स्टिक्स हैं उनके दांतों के लिए, ये च्यू स्टिक्स हैं उन्हें बिजी रखने के लिए पूरा दिन, और ये नहीं, ये हाइट से बनती है, चमड़ी से बनती है एनिमल के मांस। और ये च्यू स्टिक्स हैं, ये थोड़ा टाइम लगता है डॉग्स को खाने में, तो इसीलिए वो थोड़ा बिजी रहते हैं, उनकी जो च्यूइंग इंस्टिंक्ट है वो पूरी होती है इससे। और डॉग फूड्स हैं, डॉग फूड्स बैलेंस्ड डाइट होती हैं डॉग के लिए। आपको घर का खाना देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ सकती हैं, या बड़ा कुछ समझाना पड़ सकता है कि ये मत दीजिए वो दीजिए। डॉग फूड देने से क्या होता है, आपको ये वरीज नहीं रह जाती। तो यू कैन गिव एनी डॉग फूड अकॉर्डिंग टू योर डॉग्स टेस्ट, आप उसको दे सकते हैं। डॉग फूड इज़ ए कम्प्लीट डाइट। छोटे छोटे हाउसेज आते हैं डॉग्स के लिए, तो कोई स्मॉल ब्रीड्स होती हैं जिन्हें छुप के किसी जगह में बैठ के उन्हें सिक्योरिटी फील होती है, तो वो इस डॉग हाउस के अंदर जाके सिक्योर फील करते हैं। और कैट के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। प्राइजेज इनके वेरी करते हैं, 1000 से लेकर 2000 तक इनके प्राइजेज होते हैं। तो जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता है तो डॉग के इसके हाउसेज के प्राइजेज होते हैं। बेडशीट दिखा दो, ये इनके डॉग के बेड्स हैं, छोटे छोटे बेड्स हैं, तो ये बोथ साइड यूजेबल हैं। आप देख सकते हैं ये एक हमने डॉग का डमी रखा है। कई बार लोगों को बॉडी हार्नेस डालना नहीं आता, तो हम उन्हें बता देते हैं कि बॉडी हार्नेस कैसे डालना है डॉग को। ये बॉडी हार्नेस डालने से डॉग के नेक पे प्रेशर नहीं आता जब वो आप उसको वॉक पे ले जाते हो, और ये थोड़ा उन फ्रेंडली रहता है डॉग के लिए, कम्फर्टेबल एंड फ्रेंडली। तो ऐसे आप अपने डॉग को डालकर, इसकी चेस्ट दिखाओ, ये जो सारा प्रेशर है यहाँ पर आ जाता है,
नेक इसकी बच जाती है डॉग की। तो ये डमी है, हम लोगों को बताते हैं, ये बड़ा क्यूट डमी है हमारा, इसका नाम गोपाल है। ये बेड्स हैं छोटे डॉग्स के लिए, पपीज़ के लिए, जो एक महीने के, डेढ़ महीने के, या स्मॉल ब्रीड डॉग्स, वो भी इसमें बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं छोटे बेड में। चलो, ये बस्टर का एक प्रोडक्ट है, टैबलेट इंट्रोड्यूसर। ये आपको इसको इसको प्लंजर को आपको पीछे खींचना है और इसमें टैबलेट फंसाकर कैट के मुंह में आराम से बड़ा ही कंफर्टेबली डालकर उसके बाद प्लंजर को पुश कर सकते हैं। तो ये इजी डिवाइस है, बट इसको चलाने के लिए थोड़ा टैलेंट चाहिए कैट्स के मुंह में, क्योंकि छोटा ओरल कैविटी होती है, आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते। तो दिस इज़ फॉर दैट पर्पस। जब आपको क्लिनिक में लेके चलते हैं, कैनाइन केयर के क्लिनिक में। सारा क्लिनिक है यहाँ पर? जी हाँ, ये हमारा क्लिनिक है, क्लिनिक और ग्रूमिंग है हमारा। ऑपरेशन थिएटर हमारा ये है यहाँ पे, इसमें सिर्फ स्मॉल सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज होती हैं हमारी। ओटी लाइट ऑन करना। तो प्रॉपर स्टरलाइजेशन के बाद फिर वी डू सर्जरीज ओवर हियर। और ये हमारे बाथ टेबल हैं, ग्रूमिंग टेबल हैं। और सारा काम मतलब एक ही जगह हो जाए? जी हाँ, सब काम कोशिश यही की जाती है कि सारा काम एक ही जगह हो जाए, और हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं बाय अपॉइंटमेंट्स। जो अपॉइंटमेंट लेकर आता है तो इट इज़ ईजियर फॉर अस टू मैनेज देम ऑल्सो। तो ग्रूमिंग का टाइम ज़्यादा लगता है, लाइक इट टेक्स एन आवर फॉर ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग का टाइम हम सबको दे देते हैं, तो टाइमिंग के हिसाब से पीपल कम हेयर एंड दे गेट अवर सर्विसेज। हम यहाँ पर डॉग्स को बिल्कुल भी सीडेट नहीं करते, चाहे डॉग जितना भी अग्रेसिव हो या अनकम्प्रोमाइजिंग हो हमारे साथ। वी ट्राई टू काम देम डाउन फर्स्ट एंड देन वी डू ग्रूमिंग एंड अदर थिंग्स दैट वी हैव टू डू।